भाद्रपद की अष्टमी को मथुरा के कारागार में आया वो क्षण, जब देवकी माँ की गोद से लिया श्री कृष्ण ने जन्म। और इससे पहले कि कंस हर लेता कृष्ण के प्राण, वासुदेव ले चले कृष्ण को नंद के गोकुल धाम। नदी में मत जाओ कान्हा, विशैला सांप कालिया तुम्हारे प्राण हर लेगा। हमारा कान्हा कितना बहादुर है, हाँ और कितना सुंदर भी। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन किरानी है, गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन किरानी है। सांझ सखारे चमना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। प्रेम का दूजा नाम बनी राधा, पर भाग्य को भी उससे मुंह मोड़ना पड़ा। कंस से मथुरा को मुक्त करने कृष्ण को अपनी राधा को छोड़ना पड़ा। कृष्ण के मुख में सृष्टि समाई, उन्होंने अपने जीवन में और कई सारे भूमिकाएं निभाई। सखा सुदामा के कृष्ण, पंचाली के भाई, अर्जुन के साथी भी कृष्ण, राधा की प्रेम की परछाई। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवाने ब्रिज की हर बाधा। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है।